बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए समाकलन गणित का जो चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेचर की एक्सरसाइज फर्स्ट बी, इससे पूर्व के वीडियो में फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज है उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस वगैरह हमने जो किए हैं उसमें हमें जो वक्र के जो समीकरण जो दिए गए थे वो कार्तीय रूप में दिए अक्सवाई के रूप में दिखे थे। इस एक्सरसाइज में जो वक्र के जो समीकरण है वो हमें ध्रुवीय रूप में आर और थीटा के रूप में दिए हैं। इन ध्रुवीय वक्रों दिए गए ध्रुवीय वक्रों का हम पहले एक्सवाई प्लेन में ट्रेस करते हुए वही अवकलन गणित का जो वक्र अनुरेखण चैप्टर है उसमें भी हम ये अनुरेखण की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। बिना चित्र के अनुरेखण के ट्रेस के किए बिना इसका जो एरिया जो क्षेत्रकल कलन है संभव नहीं है। तो इस एक्सरसाइज फर्स्ट बी में हम फोर्थ ए जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ये एक कार्डियोड नुमा आकृति को व्यक्त करता है। इसके द्वारा जब आकृति हम बनाते हैं तो हृदयाप जैसे कि इसका हिंदी में नाम है, आर इजिकल टू ए प्लस बी कॉस थीटा वक्र के समीकरण में सबसे पहले हम जैसा कि वहाँ कार्तीय समीकरणों में एक्स वाई की घात को हम देखते हुए कि एक्स की घात सम है तो वाई एक्स के टेट समित है, वाई की घात सम है तो एक्स के टेट समित है, यहाँ हम अक्षों के प्रेत सममिति को देखते हैं। तो सबसे पहले अक्षक्ष के अनुदिश से हम सममिति को इससे मेजरमेंट करते हैं कि यदि थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करने पर वक्र के समीकरण में अगर कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं आता है अर्थात अपरिवर्तित रहता है तो कहते हैं कि वक्र आरंभिक रेखा के प्रेत सममित होता है। तो चूंकि इस दिए गए वक्र में आर इजिकल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, केवल थीटा जो है वो कॉस के साथ है यहाँ पे, और कॉस थीटा चूंकि इवन फंक्शन होता है समफलन होता है तो थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यूँ कह सकते हैं कि वक्र आरंभिक रेखा के प्रेत सममित है। अब इसके पश्चात हम आर के और थीटा की जो वैल्यूज है वो अलग अलग बिंदुओं पर ज्ञात करते हैं, जैसे थीटा जीरो पर आर का मान प्लस बी आता है, थीटा पाई बाई टू पर आर का मान आता है, थीटा पाई बाई फोर पर आर इजिकल टू ए प्लस बी बार रूट। तो थीटा पाई पर जो मान है आर इजिकल टू ए माइनस बी, तो हम इसको एक मेजरमेंट करते हैं क्योंकि प्रश्न में कहीं ना कहीं जैसे कि a माइनस बी जो है दिया हुआ होगा कंडीशंस के रूप में कि a माइनस बी ऋणात्मक होगा तो हम इसको जो मूल बिंदु से x अक्ष पर नेगेटिव डायरेक्शन में अर्थात यूँ कह सकते हैं कि b का मान जो है b इज ग्रेटर देन कह सकते हैं, तो इसे a माइनस बी है वो नेगेटिव हो जाएगा। वैसे दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन ए बी में जो रिलेशन है संबंध है वो भी यहाँ पर ग्रेटर देन ए के रूप में होगा। तो ये आप देख रहे हैं कार्डियोट में मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में ही ये पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट होगा और एक बिंदु ए प्लस बी जीरो के रूप में है। तो इस प्रकार से पाई बाय टू पर जैसे कि हम देख रहे हैं ए है इसका मान, तो हमने वाई एक्स एक्स पर इसको ए जीरो से नोटिफाई कर दिया और चूंकि ऊपर की जो आकृति एक्स एक्स के ऊपर की जो आकृति बनती है सेम आकृति वैसे की वैसी उतना ही एरिया एक्स एक्स से नीचे भी कवर करेगा क्योंकि वक्र एक्स एक्स के विपरीत क्या है सममित। तो इसके पश्चात हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए कि टोटल एरिया ज्ञात करने के लिए हम ऊपर के एरिया को ज्ञात करके दो से गुणा कर देते हैं, लिमिट इसके थीटा वन से थीटा टू के रूप में जो अल्फा से बीटा के रूप में यानी कि जो ये वक्र थीटा जीरो से चूंकि पाई तक जा रहा है हम इसमें देख पा रहे हैं। तो एक्स एक्स पर सबसे पहला थीटा जीरो था, लास्ट जो है थीटा पाई था ए माइनस बी पर। तो यहाँ पर हम जो है अल्फा से बीटा के रूप में थीटा की जो वैल्यूज है वो जीरो से पाई आर स्क्वायर डी थीटा ये वक्र के सूत्र से हम व्यक्त कर पाते हैं।
वन बाय टू इसके साथ में रहता है सूत्र में, तो टू सी टू कैंसिल हो जाता है। आर का मान हम पुट कर देते हैं दिए गए वक्र के समीकरण से, आर का मान ए प्लस बी कॉस थीटा के रूप में है, तो होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर को खोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से जो है सिंपल वे में इसके जो नॉर्मल जो जिसको हम समाकलन की गणना कर सकते हैं उसी गणना को करते हुए अभिष्ट जो क्षेत्रफल है वो पाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू के रूप में रिक्वायर्ड क्वार्ट स्टेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब देखिए कि अगला जो इसी का है और सी के रूप में इसको जैसा कि हम शोर करें तो देखिए इसमें आर इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा वक्र दिया गया है। इसमें भी हम सबसे पहले थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करेंगे और वक्र का समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वक्र आरंभिक रेखा के प्रति सममित है। आप विभिन्न बिंदुओं को ट्रेस करने के लिए इस प्रकार एक छोटी सी टेबल भी बना लीजिए जिसमें थीटा के भिन्न भिन्न मानों पर आर के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपको उसके ट्रेस करने हेतु जैसे पॉइंट आपको प्राप्त होते हैं। आर थीटा एक पॉइंट के रूप में, जैसे एक्स वाई एक पॉइंट के रूप में, बी पॉइंट के रूप में, वैसे आर थीटा पॉइंट के रूप में, तो जीरो ए हो गया पाई बाई फोर, जीरो हो गया पाई बाई टू माइनस ए हो गया, इस प्रकार से ये अलग अलग पॉइंट हो गए और इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर चित्र अनुसार शो कर पाते हैं। थीटा पाई बाई फोर पर वापिस जो है जीरो है, इसी प्रकार से थीटा जो है माइनस वाई बाई फोर भी एक वैल्यू हम इसमें शो करेंगे, माइनस वाई बाई फोर नीचे की ओर, जिसको आप आगे चल करके थ्री पाई बाई फोर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों ही वैल्यूज पर आप इसमें सारणी में देख पा रहे हैं, पाई बाई फोर पर, थ्री पाई बाई फोर पर ये आर का मान शून्य होता है और पाई बाई टू पर जो मान है वो ए बाई माइनस ए आता है और पाई पर मान है वो ए आता है और थीटा जीरो पर भी मान ए आता है। तो थीटा जीरो पर आप ए दिखाएंगे सममित होने के कारण ऊपर और नीचे, ये लूप जो बन रहे हैं आमने सामने के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ये लूप जो है एक समान आकृति के रूप में बन रहे हैं थीटा के इन वैल्यूज के द्वारा। अभिष्ट एरिया फॉर एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, देखिए कि जब दोनों अक्षों के प्रति सम्मिलित होता है, थीटा को आप यहाँ पर माइनस थीटा से प्रतिस्थापित किया तो वक्र आरंभिक रेखा के प्रति सम्मित हुआ, तो ये चारों चारों ही क्वाड्रेंट में सम्मित हुआ। तो फॉर एरिया ऑफ फर्स्ट एक क्वाड्रेंट के रूप में हम एरिया ज्ञात करते हुए वन बाई टू इसका जो माइनस पाई बाई फोर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो ये रीजन जो है वो माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर में जा रहा है आर स्क्वायर डी थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा पुट की, ए स्क्वायर को हमने बाहर लिया, कॉस टू थीटा को हमने खोल दिया, वन प्लस कॉस फोर थीटा पॉइंट टू और इस प्रकार से सोल्व करते हुए पाई ए स्क्वायर पॉइंट टू के रूप में हमें इसका जो है मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका एक और जो पार्ट है डी पार्ट फोर्थ का, इसमें भी थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करने पर पता समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर सम्मित है। व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू जीरो थीटा, ये डिफरेंट डिफरेंट मानों के लिए आप ये थीटा के विभिन्न मानों के लिए आर के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से पॉइंट पॉइंट आउट करते हैं लूप की जो सीमा है थीटा जीरो से पाई बाई टू और इस प्रकार से ये भी चित्र जो है हमें उपरोक्त चित्र के अनुसार अभिष्ट जो एरिया जो है वो भी हम एक क्वाड्रेंट के एरियाज के रूप में, इसमें थोड़े से जो आप देख पा रहे हैं जो लूप जो बन रहे हैं पाई बाई फोर पर मान वहाँ पर जैसे जीरो आ रहे थे यहाँ पर पाई बाई फोर पर इन पर जो मान है वो साइन होने के कारण ए आ रहा है, पाई बाई थ्री पाई बाई फोर पर भी माइनस ए आ रहा है, इस प्रकार से अलग अलग जो थोड़ा सा कि इस पहले वाले चित्र की अगर हम तुलना करें तो उस चित्र से ये थोड़ा डिफरेंट चित्र है, इसलिए है कि ये पाई बाई फोर एंगल से रोटेट होकर के बन रहा है, आकृति जो है वो लगभग उसी प्रकार की है। चित्रानुसार इसमें ओ बी ए सी ओ एरिया जीरो से पाई बाई टू एक क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट लूप की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो थीटा इक्वल टू जीरो पर भी वो स्टार्टअप होता है और थीटा पाई बाई टू पर जाकर के वापस वो जीरो को प्राप्त कर लेता है, तो एक का जो संपूर्ण एरिया जो गिरता है इसमें गिरावा जो एरिया है वो जीरो से पाई बाई टू आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर का मान इसमें पुट करें और इसको सोल्व करें तो पाई ए स्क्वायर पॉइंट टू के रूप में, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो पहले जो क्वेश्चन में जो एरिया था आर इज इक्वल टू
ए कॉस टू थीटा के रूप में जितना एरिया था उतना का उतना ही जो एरिया है इस क्वेश्चन में भी, आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा में भी उतना ही एरिया हमें प्राप्त हो रहा है, तो समान एरिया को ये कवर करता है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने जो ध्रुवीय वक्रों के संदर्भ में जो क्षेत्रफल की जो गणना है उसका शुभारंभ जो है इस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन से हमने किया, और एक दिन हम इसकी जो छोटा सा आर्टिकल और इसकी जो अनसोल्ड जो एग्जांपल है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे की क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।